कानपुर के गुनहगारों पर तो गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन होगा, ये तय है। जो गुनहगार होंगे उनकी संपत्ति कुर्क होगी। कानपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। मगर इस बीच सीएम योगी ने यूपी के पुलिस प्रशासन को शुक्रवार को ही एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। 15 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो सड़क पर या सड़क के किनारे हैं, उनकी सूची बनाई जाए। इसके बाद सभी अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर पर कार्रवाई पर विचार होगा। ये आदेश हिंदू और मुस्लिम सभी तरह के धर्म स्थानों के लिए है। याद रखिए, ये वही योगी हैं जिन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए तो मंदिरों से भी उतरवाए। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। यूपी में लखनऊ से लेकर मेरठ तक सड़कों पर कब्जा करके बनाए ऐसे ठिकाने खूब हैं। मेरठ की कचहरी रोड से बेगमपुल चौराहे पर जाने के लिए सिंगल रूट है। इस सड़क पर 2 मजारें बनी हुई हैं। सड़क का रास्ता तो रुकता ही है, जैम की समस्या भी पैदा होती है, रोड एक्सीडेंट की वजह भी बनती है। बाबा चांद मियां पांचों पीर वाली मजार ठीक मेरठ कॉलेज के एक हिस्से के सामने है। इससे कुछ आगे एक बड़ी वीरान मजार है। एक समय में ये बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले इसका स्वरूप बढ़ता चला गया। अब जिला प्रशासन इन सब की सूची बनाने में जुट गया है। इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर या कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, वो भी कितनी जगह पे हैं, और उसकी एक लिस्ट बनाने ली जाए और फिर उसको सूचीबद्ध तरीके से एक ऊपर भी भेज दिया जाए, और फिर उस पर आगे कैसे कार्रवाई करनी है और संवाद स्थापित करके कैसे उनको जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो कैसे उनको शिफ्टिंग कर सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। तो उसी के क्रम में अभी हम लोग उसको चिन्हांकित करवा रहे हैं। अभी जैसे ही रिपोर्ट जितनी भी आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। कितना दिन मतलब लगभग? हमने कहा है 1 वीक के लिए हमने टाइम दिया है कि 1 वीक में उसको चिन्हांकित करके दे दें। मेरठ से गाजियाबाद बढ़िए तो राजनगर में सड़क किनारे एक पतली सी जगह में मंदिर स्थापित है। हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने पुजारी जी से सवाल करना चाहा तो वो पाठ का बहाना कर सवाल टालते रहे। मेरठ रोड पर तो सड़क के बीचों बीच मजार बनी है, उसकी वजह से वाहनों को ही घुमा कर ले जाना पड़ता है। गोनिका की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस गाजियाबाद में मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पर भी सड़क के किनारे या फिर सड़क के बीचों बीच अवैध स्ट्रक्चर्स हैं, उन जगह पर जा रहे हैं। और मेरठ से गाजियाबाद की तरफ एंटर करते हुए मेरठ रोड पर ही एक और रिलीजियस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। दरअसल एक मजार बनी हुई है, ये पीर बाबा सैदपुरे वाले उनकी मजार है, और ये मजार भी सड़क के बीचों बीच है। ये किस तरीके से सड़क के बीचों बीच है सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। दरअसल ये मेरठ रोड है, ये मेरठ रोड से यानी कि जब आप मेरठ से गाजियाबाद की तरफ आते हैं तो ये सड़क के बीचों बीच सड़क का एक हिस्सा इस तरफ जाता है और सड़क का दूसरा हिस्सा उस तरफ जाता है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक मजार है जिससे कि सड़क यानी कि ट्रैफिक में भी अवरोध पैदा होता है। हालांकि ये मजार पिछले कई सालों से यहाँ पर है और यहाँ पर ही दिल्ली मेट्रो रीजनल ट्रेन भी यहाँ से गुजरेगी, और ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी सालों से है, काफी जगह इस स्ट्रक्चर ने घेर रखी है। हम इस वक्त तो स्ट्रक्चर के अंदर ही जाकर किससे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई दिख नहीं रहा है। नोएडा भी ऐसे अतिक्रमण से अछूता नहीं है। कहीं पीर है, कहीं फकीर है, और कहीं तो एकदम लबे रोड दरगाह से सटी मस्जिद भी बन गई है। हजरत कालू पीर शाह की दरगाह का यही हाल है। जुमे की नमाज के दौरान आने वाले वाहनों को यहाँ भीड़ का भी सामना करना पड़ता है। नोएडा फेस टू में मौजूद हैं और यहाँ पर सड़क पर एक मजार और मस्जिद दोनों है। बताया जा रहा है काफी पुरानी ये यहाँ पर मस्जिद है दरगाह शरीफ के नाम से, और हजरत सैयद कालपुरी शाह के नाम से यहाँ पर यह मस्जिद है नोएडा फेस टू में। अब असल में जिस तरीके से जो आदेश आया है योगी सरकार की तरफ से, ये कहा गया है कि एक सूची तैयार करे पुलिस प्रशासन अगले 15 दिन के अंदर, और अगर जो अवैध कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या मजार, उनकी एक सूची तैयार करके प्रशासन सरकार को सौंपे। इस ये जो मंदिर और ये जो मस्जिद और मजार है, यहाँ के जो रख रखाव जो करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है, सुबह फखरुद्दीन साहब जी। फखरुद्दीन जी, कब से है ये मजार, क्योंकि सड़क पर है, कब से है ये? ये हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है सर यहाँ पर। अच्छा, हाँ।
पहले दादा करते थे और फिर वालिद साहब आए, वालिद साहब के बाद फिर हमारा आया। मुझको करीब करीब 30 साल हो गए। करीब कितने साल से यहाँ पर है? ये मस्जिद है या मजार है? दोनों मस्जिद मजार दोनों है। यह हाल सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का नहीं है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बीच सड़क ऐसे धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। इनकी वजह से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, मगर प्रशासन लाचार दिखता है तो इसलिए कि हर बार तर्क एक है, स्ट्रक्चर तो सड़क से भी पुराना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।